बार वेलकम और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज ममता अग्रवाल। सो यार, जैसा कि आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर होने वाली है। आज की पूरी वीडियो होने वाली है चैलेंज के ऊपर, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ 5 मिनट क्राफ्ट के हिसाब से कुछ हैक्स जो मुझे देखने थे काम करते हैं या नहीं, बिकॉज उस वीडियोस में उनके काफी ज्यादा व्यूज गए थे। तो मैंने उनके वीडियोस में से कुछ कुछ हैक्स उठाए हैं एंड मैं इस वीडियो में ट्राई करने वाली हूँ, बहुत सारे हैक्स ट्राई करने वाली हूँ। सो यार, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट द वीडियो। लेकिन वीडियो में मूव ऑन करने से पहले, अगर आप चैनल पे नहीं हो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। सो यार, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट द वीडियो। सो यार, जो हमारा फर्स्ट हैक है वो है ये वाला। जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख सकते हो कि उन्होंने एक क्रेयॉन लिया है एंड उसे उन्होंने मेल्ट किया है, एंड मेल्ट करने के बाद उन्होंने उसमें ऐड किया है कोकोनट ऑयल एंड इसे कर लिया अच्छे से मिक्स। इसी तरह से उन्होंने बाकी कलर्स भी यूज किया है टू मेक देयर डीआईवाई आई शेडो, एंड उन्होंने एक आई शेडो पैलेट में डाल दिया है एंड इसे यूज किया है। तो ये हैक मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बिकॉज ये काफी ज्यादा इजी टू गो है। एंड अगर आपके पास आई शेडो नहीं है या आप एक बिगनर हो जिनके पास पैसे नहीं है, तो ये वो ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। तो अब हम देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं प्रिपरेशन प्रोसेस की तरफ। मैंने प्रिपेयर कर लिया है एंड मैं इसे कटोरी में ही रखा है, मैंने कोई और आई शेडो पैलेट में रखा है क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने इसे निकाल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखा था जस्ट टू सी कि ये स्टे करना है या नहीं, तो बहुत काफी टाइम स्टे कर गया था। तो ये मेरे पास है, तो यूजिंग माई हैंड्स मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने आई लिड्स के ऊपर। सो लेट्स सी ये काम करता है या नहीं, एंड देन आपको इसे ब्लेंड करना है प्रॉपरली। कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो, आपको जो भी नीड है, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, कोई भी। इस टाइम पे मैंने सिर्फ रेड को यूज किया है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये हैक काम तो करता है बट ये काफी ज्यादा ही रनी हो रखा है। आपको इसे ज्यादा टाइम तक ये स्टे नहीं करेगा। अगर आपको कभी ईच हुई, लाइक आपको खुजली हो रही आंखों पे, तो आप वो कर नहीं सकते, वरना आप एकदम वैम्पायर लगोगे। इतना ज्यादा रेडिश रेडिश हो जाता है ये, इतना ज्यादा लाइक रनी हो जाता है। अगर आपको स्टे करवाना है तो आपको इसे लाइक थोड़ी देर रखना पड़ेगा, या फिर ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। ओवरऑल ये हैक वर्क करता है, काफी ज्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। तो मैं इसको दूंगी आउट ऑफ 10, मैं इसको दूंगी 8, क्योंकि 2% मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि ये अगर आपने को ईच हुआ ना तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा। ओवरऑल दिस वॉज अमेजिंग हैक। सी कितना अच्छा काम किया इसने। सो 8 marks मैं इसको दूंगी आउट ऑफ 10। सो दिस वाज आवर फर्स्ट। सो यार, दिस वाज आवर फर्स्ट हैक। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड की तरफ। तो जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख सकते हो कि उन्होंने एक लिपस्टिक लिया है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको कोई भी चॉइस लेनी है, एंड देन उसमें उन्होंने ऐड किया है कोकोनट ऑयल, एंड एट लास्ट इसमें उन्होंने ऐड किया है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, एंड इसे कर लिया अच्छे से मिक्स। इतना मिक्स कर लिया कि एक अच्छा सा स्मूथ सा कंसिस्टेंसी आ गया। आप चाहो तो इसे मेल्ट भी कर सकते हो, एंड देन इसे आपको किसी भी कंटेनर में स्टोर करना है एंड देन रेफ्रिजरेट करना है फॉर 5 to 6 hours, या 1 to 2 घंटा भी आप रख सकते हो, एंड देन आपका जो डी आईवाई लिप बाम है वो रेडी हो जाता है। तो मुझे ये है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड काफी ज्यादा इजी टू गो लगा, क्योंकि एट दैट सेम टाइम आपकी लिपस्टिक भी काम आ गई अगर जो बची कुछ ही है, एंड दूसरा आपकी एकदम जो लिप्स है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाती है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं प्रिपरेशन प्रोसेस की तरफ। ये रहा मेरा लिप बाम जो मैंने प्रिपेयर किया था, जैसे कि आप देख सकते हो इसी कंटेनर में रखा हुआ है। आप इसे चाहते हो तो 1 to 2 घंटा भी फ्रिज में रख सकते हो। आफ्टर एवरी डेज आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये पूरा मेल्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल है। तो मैंने इसे फ्रिज में से अभी जस्ट निकाला है, एंड यू कैन सी दिस। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है। अगर आप इसे ज्यादा देर तक बाहर रखोगे ना, काफी ज्यादा मेल्ट हो जाएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा, विच यू डू नॉट वॉन्ट। सो आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ता है अच्छे से स्टे करने के लिए। तो दिस इज वॉट आई गॉट, मैंने इसे काफी टाइम से बाहर रखा हुआ था, तो दिस इज वॉट आई गॉट। अब हम इसे अप्लाई करते हैं लिप्स के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप मेरी लिप्स देख सकते हो कितनी ज्यादा रेडिश लग रही है, लाइक जो इसमें कलर था ना वही आपको मिला है। लाइक आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अमेजिंग वर्क किया है इस हैक ने। इट वॉज माई इजी टू गो हैक, ये काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। तो मैं तो इसको दूंगी 10 out of 10।
अगर आपके पास मिंट एसेंशियल ऑयल है तो आप पक्के से ऐड करना, इससे जबकि लिप्स है वो थोड़ी प्लम्पी दिखेगी, थोड़ी ज्यादा मॉइस्चराइज दिखेगी। तो ये मेरा हैक काफी ज्यादा अमेजिंग था, दिस वॉज माई गो टू हैक। तो आप इसे ट्राई करना, आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस वॉज अवर सेकंड हैक। तो गाइस ये था हमारा सेकंड हैक। अब हम गो ऑन करते थर्ड की तरफ। तो क्या आपके भी मस्कारा लगाते समय मस्कारा आईलैशेस पे कम और आईलिड पे ज्यादा लग जाता है? तो दिस हैक इज डेफिनेटली फॉर यू। अगर आपको बहुत इजी तरीके से अपना मस्कारा लगाना है तो ये हैक आपको डेफिनेटली चेकआउट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप साइड में वीडियो में चेकआउट कर ही सकते हो कि उन्होंने मस्कारा को लगाया है यूजिंग कार्ड की हेल्प से, एज अ कार्ड उन्होंने सपोर्ट को लिया है एंड उससे मस्कारा लगाया है, जिसके वजह से जो उनके आईलैशेस थे वो भी काफी ज्यादा फुलर लग रहे थे एंड काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। तो ये मेरा गो टू हैक था जो मेरे को ट्राई जरूर करना था, क्योंकि बहुत इजी लग रहा था एंड काफी ज्यादा इम्प्रेसिव भी लग रहा था। तो देयर आई हैव माय मस्कारा, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा मस्कारा है एंड ये मेरे पास एक कार्ड है जो ऐसे पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे लिया है एंड मस्कारा को डिप किया है। नाउ मैं उसे आईलैश पे आपको ऐसे रखना है एंड देन आपको मस्कारा अप्लाई करना है। काम तो किया है, बहुत अच्छे से काम किया है, आपको बस इसे प्रॉपरली लगाते आने को होना एंड देन यू कैन सी कि ये बहुत अच्छे से काम आता है। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है, जो एक्स्ट्रा था ना वो पूरा का पूरा आपका जो कार्ड है उस पे आ गया। यू कैन सी दिस, जो रिजल्ट है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग था इसका। सो ये हैक तो काफी ज्यादा अमेजिंग था, अगर आप इसे ट्राई करते रहोगे तो आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर मैं बात करती हूँ रेटिंग की, तो मैं दूंगी इसको 7 out of 10, बिकॉज 7 इतना ठीक है। अगर आप इसे यूज करते रहोगे तो डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप इसे मैसेज कर दें तो ये आपके अंदर भी जा सकता है, जिसकी वजह से मैं इसको दूंगी 7। सो ये हैक ठीक ठाक था, नॉट वेरी गुड। तो ये था हमारा थर्ड हैक। करते हैं फोर्थ की तरफ। तो जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख सकती हो कि उन्होंने मस्कारा को एक फोक की हेल्प से मस्कारा पे लगाया थोड़ा सा क्वांटिटी एंड देन उसे अपने नीचे वाले आईलैश पे लगाया। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें लगाना भूल जाते हैं एंड बहुत ज्यादा फुलर भी नहीं लगते, तो उन्होंने ये हैक ट्राई किया है एंड यू कैन सी कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो आई हैव माई फोक एंड ये रहा मेरा मस्कारा। थोड़ा सा इसमें से आपको एक क्वांटिटी लेने की है, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने ले ली है, आपको काला काला दिख रहा होगा एंड देन उसे आपको अप्लाई करना है आपके नीचे वाले आईलैश पे, एक एक बाल पकड़ने हैं वहां के एंड देन उस पर अप्लाई करना है। तो दिस वॉज समथिंग आई, तो गाइस ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसके वजह से काम ही नहीं कर रहा है। तो गाइस ये हैक बिल्कुल काम नहीं कर रहा, काफी ज्यादा पेन हो जाता है इसके वजह से। यू कैन सी कितना ज्यादा बेकार हैक है एंड देन दूसरे में मैंने ट्राई करने गई तो मेरी आंखें से चुप गई। तो ये हैक बिल्कुल बेकार था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये हैक। तो मैं गाइस इसको वॉश करके आती हूं, अगर मैं और ज्यादा रावण ना लगूं तो मैं इसको वॉश करके आती हूं। मैं मिलूं आपको नेक्स्ट हैक। सो गाइस आफ्टर अ बिग फेलियर ऑफ प्रीवियस हैक, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख सकते हो कि उन्होंने एक लिपस्टिक को एज अ आई शेडो एज अ ब्लश एज अ लिपस्टिक यूज किया है, जिसके वजह से आप एक ही लिपस्टिक से अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो वो काफी ज्यादा इजी लग रहा था एंड काफी ज्यादा इजी टू गो लग रहा था। तो बहुत इजी है, आपको कोई भी एक लिपस्टिक चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर या पिंक कलर की लिपस्टिक ली है, उससे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। तो इसे आपको एज अ ब्लश यूज करना है, एज अ आई शेडो एंड एज अ लिपस्टिक यूज करना है। तो देर आई गो, तो सो गाइस पूरे फेस पे तो मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है लिपस्टिक को। अब हम पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है, अब हम मूव ऑन करते हैं आईलिड एंड आई ब्लश की तरफ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि हैक काफी ज्यादा अमेजिंगली काम किया है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपको अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक यूज करनी है, वरना आपको बहुत अच्छे पिंपल्स आ सकते हैं इसके वजह से एंड आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक यूज करनी है एंड हैव दैट इजी टू गो मेकअप। तो ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग लगा मेरे को एंड काफी ज्यादा इजी टू गो लगा।
अगर आप एक बिगनर और आपको मेकअप नहीं आता, आप एक लिपस्टिक पकड़ो, एमसी मेकअप करो एंड आपका इजी टू गो मेकअप इज रेडी। तो इसको तो मैं दूंगी 10 out of 10। तो ये हैक मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट हैक की तरफ। तो गाइज, जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख सकते हो कि अगर आपके पास डार्क सर्कल है और आपके पास कंसीलर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं लेने का है, आपको सिर्फ एक रेड लिपस्टिक लेनी है एंड देन आपको एक फाउंडेशन लेना है एंड उससे आपका जो डार्क सर्कल है, जो डार्क एरिया है, वो बहुत इजीली कवर हो सकता है। तो ये हैक मुझे बहुत अच्छे से ट्राई करना था। तो ये रही एक रेड लिपस्टिक एंड ये रहा मेरा फाउंडेशन। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेड लिपस्टिक लेना है एंड देन उसे आपको आपके डार्क सर्कल्स वाले एरिया पे हल्का हल्का सा अप्लाई करना है, हल्का हल्का सा आपको उसे अप्लाई करना है एंड देन इसे आपको ब्लेंड कर लेना। ब्यूटी ब्लेंडर के यूज से भी कर सकते हो बट दिस टाइम मैं सिर्फ हाथ से ही कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है एंड देन आपको एक फाउंडेशन लेना है या कुछ भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेना है एंड देन इसे अप्लाई करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लेना है प्रॉपरली। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसे प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है, दो इसने उतना काम नहीं किया है बट या काम किया है। जैसे कि आप देख सकते हो हल्का हल्का सा इसने मेरे डार्क सर्कल को फेड ऑफ कर दिया है। अगर इसे आपने प्रॉपरली अप्लाई किया तो ये डेफिनेटली वर्क करता ही करता है। जैसे कि आप देख सकते हो दिस डेफिनेटली वर्क्स। तो मैं दूंगी इसको 9 out of 10 एंड दिस वॉज अवर नेक्स्ट हैक। सो गाइस, ये था हमारा नेक्स्ट हैक। अब हम मूव ऑन करते हैं इस वीडियो के लास्ट हैक पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो गाइस, अगर आपको भी आईलाइनर लगाना नहीं आता प्रॉपर वे से तो दिस हैक इज जस्ट फॉर यू। तो जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख सकते हो कि उन्होंने टूथपिक की हेल्प से आईलाइनर अप्लाई किया है, दैट विंग आईलाइनर, ये इतना ज्यादा परफेक्ट बना है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। तो मुझे भी बहुत अच्छे से ट्राई करना था बिकॉज मुझे अप्लाई करना नहीं आता एंड एज अ बिगिनर मैं इसे ट्राई करना चाहती थी। तो ये रहा मेरा टूथपिक जो मेरे पास है एंड ये रहा मेरा आईलाइनर। तो आपको क्या करना है ना, एक टूथपिक लेनी है अच्छी वाली, देन इस पे आपको अप्लाई करना है आपका आईलाइनर। तो यहाँ पे मैं जो आईलाइनर यूज कर रही हूँ ना वो ब्लू हेवन की तरफ से है। ये इनका काफी ज्यादा मिनी स्ट्रोक होता है तो बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, बट ट्राई करना था मुझे तो मैंने पकड़ लिया उसको एंड देन इसको आपको पूरे टूथपिक के एंड्स पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब आपको इसे आंखों के ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत संभल के अप्लाई करना है। तो लाइक दिस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे विंग का लुक देने के लिए रेडी। सो गाइस, ये तो मैंने अप्लाई कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो अगर आपको प्रॉपर वे से अप्लाई करना आता है तो आपको ये बहुत अच्छा हैक लगने वाला है एंड ये हैक डेफिनेटली वर्क करता ही करता है। आपको इसे बस प्रॉपर वे पे अच्छे से अप्लाई करना है लाइक दिस एंड देन आपको ऐसा करना है एंड योर विंग इज परफेक्टली रेडी एंड देन उसे लुक दे देना है। तो ये हैक भी बहुत अच्छे से काम करता है। दिस वॉज लाइक 9 out of 10 क्योंकि मेरे को उतना प्रॉपर वे पे लगाना नहीं आता इसलिए मैं इसको 9 दूंगी। बाय द वे, ये हैक काफी ज्यादा अमेजिंग था। तो आपको ये हैक काफी ज्यादा इजी एंड काफी ज्यादा इजी गो लगेगा। So यार, आज के हैक्स तो बस यही रखते। अगर आपको ऐसे और भी हैक्स चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, में डेफिनेटली बनाऊंगी। सो यार, आज की वीडियो बस ये तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड इस हैक्स को डेफिनेटली ट्राई करना, आपको काफी ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले। मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।